12 देखिए, ए और बी किसी प्रयोग के लिए दो परस्पर अपवर्जी घटना है। यहाँ पर कह रहा है कि ए नॉट की प्रायिकता यहाँ पर है आपके पास 0.65, तो यहाँ ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1 - a0 की प्रायिकता, यानी कि आ जाएगा 1 - 0.65, यानी यहाँ आ जाएगा 0.35 ए की प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, और फिर यहाँ पर यहाँ ए यूनियन बी की प्रायिकता दिया हुआ है 0.65 और यहाँ बी की प्रायिकता यहाँ कह रहा है कि पी है, स्मॉल पी स्टूडेंट, तो पी का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि आपके पास ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो इस ए यूनियन बी की प्रायिकता ए की प्रायिकता और प्लस में बी के प्रायिकता के योग के बराबर होगा, और बराबर में 0.65। यहाँ ए की प्रायिकता है 0.35 और बी की प्रायिकता है पी और बराबर में 0.65। इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो यहाँ पी का मान 0.3 आ जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30।